नमस्कार, मैं हूं सुधांशु पुरी। इंडिया न्यूज के डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पहली खबर सीतापुर पुलिस विभाग की है, जहां एसपी सीतापुर द्वारा लंबे समय से तैनात 10 इंस्पेक्टर और 3 दरोगा का तबादला कर दिया गया। एकाएक हुए इस तबादले से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। वहीं आपको बता दें कि अभी भी कई अफसरों, कई इंस्पेक्टर और कई दरोगा ऐसे हैं जो लंबे समय से अपनी कुर्सी पर जमे हुए हैं। आखिर इन पर कब कार्रवाई होगी, यह एक बड़ा सवाल है। दूसरी खबर गेहूं खरीद से जुड़ी हुई है। 87 समितियों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वह अपने अपने समिति में गेहूं की खरीद करें। और सबसे खास बात यह है कि इस बार पीसीएफ का कोई भी सेंटर नहीं रखा गया है। सरकारी रेट की बात करें तो 2125 रुपए प्रति क्विंटल है, वहीं मंडी का रेट इस वक्त 2300 रुपए प्रति क्विंटल चल रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि बीते दिनों जो ओलावृष्टि हुई और भारी बारिश हुई, जिसकी वजह से किसानों का जो गेहूं है वो काफ़ी ख़राब हो गया, जिसकी वजह से मंडी का रेट अचानक बढ़ गया है। ऐसे में देखा जा रहा है कि सरकारी जो एजेंसियां हैं जो गेहूं की खरीद कर रही हैं, उनको इस बार गेहूं खरीद में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तीसरी खबर बीते दिनों हुई भारी बारिश और ओलावृष्टि से जुड़ी हुई है, जहां किसानों की फसल बर्बाद होने से किसान मायूस है। ऐसे में प्रशासन द्वारा सरकार के निर्देश पर किसानों को मुआवजा देने की तैयारी की जा रही है। सीतापुर के मिश्रिक औरंगाबाद क्षेत्र में ओलावृष्टि हुई थी, जिस पर अपर जिलाधिकारी सीतापुर का कहना है कि उसका सर्वेक्षण कराकर उन्हें मुआवजा देने की तैयारी की कार्रवाई चल रही है। वैसे तो मिश्रिक औरंगाबाद के अलावा सीतापुर में कहीं भी भारी बारिश से गेहूं के नुकसान की अभी कोई खबर नहीं लगी है। ऐसे में प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है कि यदि बारिश होती है या कोई ऐसा नुकसान पाया जाता है तो उस पर मुआवजा दिया जाएगा। चौथी खबर कोरोना से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या को बढ़ते हुए सीतापुर के स्वास्थ्य महकमे ने भी कमर कस ली है। बीते दिनों लखीमपुर के कस्तूरबा गांधी आवासीय बच्चों के विद्यालयों में कोरोना के मरीज पाए जाने के बाद सीतापुर के सभी कस्तूरबा के विद्यालयों में इसकी जांच कराई गई, लेकिन खास बात यह है कि अभी तक कोई भी कोरोना का पेशेंट सीतापुर में नहीं मिला है। हालांकि बात करें ऑक्सीजन प्लांट की, तो सीतापुर के मोहली मिश्रिक जिला अस्पताल और महिला अस्पताल में लगे ऑक्सीजन प्लांट की पूरी तरीके से क्रियाशील बताए जा रहे हैं। ऐसे में लगातार कोरोना की जांच जिला अस्पताल और सभी सीएससी पर आरटीपीसीआर के तौर पर लगातार कराई जा रही है और टेस्टिंग की संख्या बढ़ा दी गई है।